बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है गिरिराज सिंह ने, हम आपको सुनाते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हमारे साथ में मौजूद है। गिरिराज सिंह जी, आप खुद वाराणसी में आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वाराणसी आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी आकर के 2-3 दिन पहले ये उनको बोलना पड़ा कि लोग मेरी मृत्यु की कामना करते हैं। देखिए, आज से नहीं, कांग्रेस सोनिया गांधी ने भी उन्हें मौत का सौदागर कहा था। सोनिया गांधी उस चुनाव में भी नापता हो गई थी। आज जो लोगों ने कहा है, सब जानता है कि कौन कहा है। उनका दूसरे मोदी को क्या करेंगे, जनता उन्हें ही खाक में बिठा रही है। मोदी की हत्या करने वाला खुद जनता उसकी राजनीतिक हत्या कर देगी और कर रही है। मोदी अवतारित पुरुष है। आने वाले दिन में हमारे लिए सौभाग्य है कि हम भारतवंशी मोदी को भगवान की तरह अब देखना पड़ेगा, अवतारित पुरुष। आपने कहा मोदी जी को अवतारित पुरुष भी कहा, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है यहाँ पर वोट जाति पर पड़ता, विकास पर नहीं पड़ता, लेकिन आपको लगता है कि इस चुनाव में जातियां खत्म हो जाएंगी? मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, जो अखिलेश यादव MY समीकरण बनाए, M तो है उनके साथ, Y साफ हो गया, क्योंकि वो जदुवंशी देख रहा है, गलतफहमी में है कि जो श्री राम के भक्तों पे गोली चलाए, खून से हाथ सना हो, वो क्या कृष्ण जन्मभूमि को बनाएगा? एक उम्मीद और जगी है सर कि जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, वाराणसी में काशी कॉरिडोर का जिस तरह से बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्या आपको लगता है उम्मीद है कि मथुरा का भी निराकरण हो जाए? एक प्रधानमंत्री है जो त्रिपंड लगा करके भारत की संस्कृति के साथ राम के भवन का, राम के मंदिर का भव्य निर्माण, तो कृष्ण कौन बनाएगा? कृष्ण भी यही बनाएगा। सर, अखिलेश यादव लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे हमला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक बार सरकार बन जाने तो इनकी भाप निकाल दें। सरकार बनेगा नहीं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने ना देखें। 5 साल सरकार जलाए, सभी समझा था कि एक नौजवान आया है, नौजवानों को दिखाया सब्ज बाग और फायदा दिया किसको, दुनिया जानता है। लेकिन सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये बात बोलते हैं कि मोदी और योगी डबल इंजन, तो आपको क्या लगता है डबल इंजन का क्या मतलब? डबल इंजन का मतलब है कि जब तक 17 के पहले 14 में मोदी आए, उत्तर प्रदेश में विकास रुका हुआ था, और जब योगी आ गए तो विकास की झड़ी लग गई। 17 के बाद ही तो योगी शुरू काम किए, 2 साल तो काम ही करना पड़ मिला, तो यही है डबल इंजन। सर, अखिलेश यादव के साथ में ममता बनर्जी बंगाल से आई है यहाँ पर, वो आकर के उन्होंने रोड यहाँ पर रोड शो किया, रैली की है, आपको क्या लगता है? ममता बनर्जी गंगा घाट पर सीढ़ियों पर बैठी थी यहाँ पर, जबकि उनके बारे में कहा जाता है कि प्रयाग में जब कुंभ में जब उनको योगी आदित्यनाथ ने बुलाया था तो वो नहीं आई। देखिए, अभी तक भारत के अंदर में एक वर्ग को ही वोट बैंक माना गया, लेकिन मोदी के काल में मंदिर मंदिर भटक रहे हैं, ममता भटक रही है। जो ममता कल तक यूपी के लोगों को गुंडा कहा, जो ममता क्यों नहीं गुस्सा हो, क्यों नहीं काला झंडा दिखाए, जो ममता रोहिंग्या मुसलमानों के लिए रेड कारपेट बिछाया, जो ममता बांग्लादेशी घुसपैठियों को कहा मेरे रहते बंगाल से कोई हटा नहीं सकता, जो ममता के राज में हिंदू पलायन करने लगे, वो यहां आकर के, तो जो भी 2 वोट मिलता अखिलेश को वो भी नाश हो गया। आखिरी सवाल सर, समाजवादी पार्टी के नेता बोलने लगे कि कुछ दिन थोड़े दिन रुक जाओ, 6 महीने तक हम किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होने देंगे, सारा हिसाब यही बराबर करेंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कौन मना करेगा भैया? मैं तो फिर कह रहा हूं, 5 साल जब तुम काम का दावा कर रहे हो,
तो उस 5 साल में आपको कितने वोट मिले? जब तुम्हारे काम पर लोगों ने तुम्हें नकार दिया, तो जोगी के काम पर मोहर लग रहा है, मोहर, और वो है गरीबों की सेवा, वो है लॉ एंड ऑर्डर, वो है विकास। ये 10 तारीख के बाद अखिलेश और राहुल दोनों साथ जाएंगे, विदेश का टिकट ले ली। 200% नहीं, बाबा विश्वनाथ की कृपा से, मोदी की कृपा से, जोगी की कृपा से, मोदी है तो मुमकिन है। तो मोदी है तो मुमकिन है, दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता में लौटेगी और पूरे पूर्ण बहुमत के साथ लौटेगी, ये दावा किया है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, वाराणसी।